Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल Biz Analyst के साथ। शेयर बाजार वो जगह है जहां आप करोड़पति बन सकते हैं और कंगाल भी हो सकते हैं। अगर आप सटीक जानकारी और रिसर्च के आधार पर निवेश करते हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलने की उम्मीद ज्यादा रहती है। इसलिए हमेशा शेयर में निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर कर लें। आज हम आपको जिस स्टॉक के बारे में बताने जा रहे हैं वो जुड़ा है शुगर इंडस्ट्री से। पिछले कुछ समय से शुगर इंडस्ट्री से जुड़े शेयरों ने काफी मजबूत प्रदर्शन किया है। कई शुगर स्टॉक ने पिछले एक साल में निवेशकों को मोटा रिटर्न दिया है। बलराम चीनी मिल्स लिमिटेड का शेयर उन्हीं शेयरों में से एक है। पिछले 5 सत्रों में बलराम चीनी मिल्स लिमिटेड के शेयर में 18% की तेजी आई है। वहीं पिछले 1 महीने में इस शेयर ने 22% की तेजी दिखाई है। पिछले 6 महीने में इस शेयर ने 35% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। एक साल में इस शेयर ने अपने निवेशकों को 131% का रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 5 सालों में इस शेयर ने 216% का रिटर्न दिया है और 10 सालों में इस कंपनी ने अपने निवेशकों को 780% का रिटर्न दिया है। तो वहीं 20 सालों में इस शेयर ने निवेशकों को मालामाल करते हुए 4,390% का बंपर रिटर्न दिया है। यानी बलराम चीनी मिल्स लिमिटेड के शेयरों ने पिछले 12 महीनों में निवेशकों का पैसा डबल कर दिया है और बीते 20 सालों में बंपर रिटर्न दिया है। जिन निवेशकों ने बलराम चीनी में पैसा लगाया उनको निराशा हाथ नहीं लगी होगी, लेकिन इस आंकड़े से ये पता चलता है कि जितनी लंबी अवधि के लिए आप पैसा लगाएंगे रिटर्न भी उतना ही बंपर होगा। पिछले एक साल में कंपनी के स्टॉक का भाव 220 रुपये से चढ़कर 491 रुपये पर पहुंच गया है। इस तरह इस अवधि में बलरामपुर चीनी मिल्स के स्टॉक में 124.5% का उछाल दर्ज किया गया है। अब हम आपको बताते हैं, अगर किसी निवेशक ने इस शेयर में 1,00,000 रुपये का निवेश किया होता तो आज कितने रुपये होते। मान लीजिए अगर किसी निवेशक ने 1 महीने पहले 1,00,000 रुपये इस शेयर में लगाए होते तो आज तकरीबन 1,22,000 रुपये होते। किसी ने 6 महीने पहले 1,00,000 रुपये लगाए होते तो 1,35,000 रुपये होते। वहीं अगर किसी ने 1 साल पहले 1,00,000 रुपये लगाए होते तो आज 2,31,000 रुपये हो जाते। 5 साल पहले 1,00,000 रुपये अगर किसी ने शेयर में लगाए होते तो 3,16,000 रुपये हो जाते। और अगर 10 साल पहले किसी ने 1,00,000 रुपये इसमें निवेश किए होते तो 8,80,000 रुपये हो जाते। और किसी ने अगर 20 साल पहले 1,00,000 रुपये लगाए होते तो आज 43,90,000 रुपये का बंपर रिटर्न पाया होता। इतना मुनाफा सिर्फ शेयर बाजार में ही कमाया जा सकता है। ये आंकड़े बताने का हमारा मकसद ये है कि अगर आप लंबी अवधि के लिए अच्छी कंपनियों में पैसा लगाते हैं तो आपको मुनाफा अच्छा होता है। इस स्टॉक के मजबूत परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड काफी लंबे समय से चलता आ रहा है। कंपनी के शेयर का भाव शुक्रवार को 491 रुपये पर पहुंच गया था। ये इस शेयर का ऑल टाइम हाई है। कंपनी का मार्केट कैप 9,900 करोड़ रुपये है। ये कंपनी का स्टॉक 5 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेज से ज्यादा पर है। कई ब्रोकरेज हाउसेस भी इस कंपनी पर बुलिश दिख रहे हैं। ब्रोकरेज फर्म मार्केट्स मोजो के मुताबिक कंपनी ने 2 लगातार तिमाहियों में नेगेटिव रिजल्ट देने के बाद दिसंबर 2021 तिमाही में पॉजिटिव रिजल्ट दिया है। कंपनी का डेट टू एबिटा रेशो भी कम है। कंपनी के टेक्निकल ट्रेंड में 2 मार्च 2022 से सुधार देखने को मिल रहा है। ये शेयर अब बुलिश रेंज में है। ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक कई पहलुओं की वजह से कंपनी के शेयर में सुधार दिख रहा है। ऐसे में निवेशकों को आगे भी इस शेयर में अच्छी कमाई हो सकती है। लेकिन किसी भी तरह का निवेश करने से पहले किसी अच्छे जानकार से सलाह जरूर लें।